जाहिन, इसके पहले मैंने आपको सेफ्टी लैंप के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दे दिया था। आज हम लोग मेनली बात करेंगे कि गैस टेस्टिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं फ्लेम सेफ्टी लैंप के द्वारा। दोस्तों, गैस टेस्टिंग करने का दो तरीका होता है, एक होता है आपका एक्युमुलेशन टेस्ट और दूसरा होता है परसेंटेज टेस्ट। आज हम मेनली इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आइए हम लोग समझते हैं एक्युमुलेशन टेस्ट क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि फर्दर परसेंटेज टेस्ट क्या होता है। किसी भी माइंस में दोस्तों, परसेंटेज टेस्ट से पहले आपका एक्युमुलेशन टेस्ट किया जाता है, और यह एक्युमुलेशन टेस्ट हम लोग मेनली नॉर्मल वीक से ही करते हैं। जो सेफ्टी लैंप है, उस सेफ्टी लैंप का एक नॉर्मल फ्लेम को हम लोग जनरेट करते हैं और उसी के द्वारा हम लोग एक्युमुलेशन टेस्ट करते हैं। एक्युमुलेशन टेस्ट से हम लोग को मेनली यही पता चलता है कि आपका माइंस में मीथेन और इन्फ्लेमेबल गैस मौजूद है या नहीं। इस टेस्ट से हम लोग को यह पता नहीं चलता है कि कितना परसेंटेज में वो गैस अवेलेबल है माइंस में। तो एक्युमुलेशन टेस्ट हम लोग को यही बताता है कि आपका माइंस में मीथेन है या नहीं है, उसके बारे में एक्युमुलेशन टेस्ट बताता है। दोस्तों, माइंस का वो प्लेस जहाँ पे अच्छा तरीका से वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा होता है, वहीं पे आपका ज़्यादा चांसेस होता है मीथेन का प्रेजेंस होने का। दोस्तों, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो आपका माइंस का रूफ है, वहाँ पे आपका जो परसेंटेज ऑफ मीथेन है वो लगभग 9 से 10% में अवेलेबल होता है, और रूफ के जस्ट 50 सेंटीमीटर डाउन में आपका 3 से 4% में मीथेन अवेलेबल हो पाता है। अब हम लोग देखते हैं मेनली कि माइंस का वैसा प्लेस जहाँ पे यह एक्युमुलेशन ऑफ गैसेस ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, तो वो है आपका होल इन द रूफ। यदि रूफ के में आपका कहीं पे भी छेदा है, तो वहाँ पे यदि वहाँ पे रूफ में आपका क्रैक है, तो उस कंडीशन में भी वहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ गैसेस रहने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। और आपका एज ऑफ द गोफ, फेस ऑफ राइजिंग हेड, जहाँ पे आपका जो फेस है वहाँ पे वर्किंग हो रहा है, तो उसको यदि खोला जा रहा फेस को, तो वैसे सिचुएशन में भी वहाँ पे आपका एक्युमुलेशन ऑफ गैसेस रहने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। एनी ब्लाइंड एंड एनी अदर अनवेंटिलेटेड प्लेस, दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पे अच्छा तरीका से वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा होता है, तो वहाँ पे आपका जो मीथेन का परसेंटेज है वो रहने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है। तो इन सभी प्लेसेस में मेनली आपका एक्युमुलेशन ऑफ गैसेस रहने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है। दोस्तों, हम लोग नॉर्मल फ्लेम से ही एक्युमुलेशन टेस्ट करते हैं। यदि हम लोग बात करें कि क्यों हम लोग नॉर्मल फ्लेम से ही एक्युमुलेशन टेस्ट करते हैं, तो मान लीजिए कि किसी भी माइंस के प्लेस में आपका मीथेन मौजूद है, और उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब आप एक्युमुलेशन टेस्ट करेंगे तो मीथेन जो गैस है वो आपका फ्लेम सेफ्टी लैंप में एंटर करेगा, और जैसे ही वो एंटर करेगा मीथेन आपका फ्लेम सेफ्टी लैंप में, तो वहाँ पे वो मीथेन बर्न होगा। बर्न होने के बाद वो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को मेनली फॉर्म करेगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपका फ्लेम को एक्सटिंग्यूश कर देगा, बुझा देगा। इसलिए हम लोग नॉर्मल फ्लेम से ही एक्युमुलेशन टेस्ट करते हैं। यदि हम लोग को जब एक्युमुलेशन टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे यदि पॉजिटिव रिस्पॉन्स वो शो करता है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग को परसेंटेज टेस्ट नहीं करना होता है। मैं आपको पुनः रिपीट कर दूँ कि जहाँ पर भी आपका यदि मीथेन और इन्फ्लेमेबल गैस डिटेक्ट हो जाता है बाय एक्युमुलेशन टेस्ट, तो उसके बाद फर्दर हम लोग कहीं पे भी परसेंटेज टेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग मेनली बात करते हैं कि कैसे हम लोग एक्युमुलेशन टेस्ट को कर सकें। दोस्तों, जो ऑब्जर्वर होता है, जो एक्युमुलेशन टेस्ट कर रहा होता है, उसे केयरफुली आपका सबसे पहला जो सेफ्टी लैंप का जो फ्लेम है उसको नॉर्मल कंडीशन में रखना चाहिए, और इस नॉर्मल कंडीशन को रखने के बाद आपका जो फ्लेम का हाइट है उसको उसे केयरफुली वॉच करते ही रहना चाहिए। और जैसे ही फ्लेम का हाइट वो इलोंगेट होता है या फिर जंप करता है, यानी कि मान लीजिए उसका जो फ्लेम है आपने नॉर्मल साइज में रखा, उससे वो ज़्यादा के हाइट में पहुंच जा रहा, तो वैसे सिचुएशन में हमें मालूम होना चाहिए कि उस प्लेस में आपका मेनली मीथेन का जो परसेंटेज है वो 3% से ज़्यादा है। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग को जो लैंप है उसे इमिडिएटली विथड्रॉ कर लेना चाहिए विदाउट जर्किंग। ऐसा नहीं है कि हम लोग हिला डुला के लैंप को नीचे उतारेंगे और फिर वहाँ से विथड्रॉ करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जैसे ही मालूम चलता है कि आपका जो फ्लेम का हाइट है वो बढ़ रहा है, तो वैसे सिचुएशन में आपको स्लोली आपको
फ्लेम सेफ्टी लैंप को नीचे करना और आपको बाहर सरफेस में लेते आना है। दोस्तों वैसा माइंस का प्लेस जहां पे हम लोग एक्यूमुलेशन टेस्ट करने के बाद वहां पे कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, यानी कि आपका जो एक्यूमुलेशन टेस्ट किए हैं उसमें यह पता चलता है कि वहां पे कोई भी मीथेन और इन्फ्लेमेबल गैस प्रेजेंट नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग फर्दर परसेंटेज टेस्ट को कर सकते हैं। और जैसा ही हम लोग को मालूम चल जाए कि एक्यूमुलेशन टेस्ट हमें पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा, तो उसके बाद हम लोग को कभी भी भूल कर भी परसेंटेज टेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको एक्यूमुलेशन टेस्ट बार के ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया तो आप डेफिनेटली लाइक करके बता सकते हैं। अब हम लोग फर्दर बात करते हैं कि परसेंटेज टेस्ट क्या होता है। दोस्तों जो परसेंटेज टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट होता है, और इस परसेंटेज टेस्ट को करने के लिए हम लोग को स्टैंडर्ड फ्लेम जनरेट करना पड़ता है। स्टैंडर्ड फ्लेम को हम लोग टेस्टिंग फ्लेम भी कहते हैं। तो बिना टेस्टिंग फ्लेम जनरेट किए हुए हम लोग फर्दर परसेंटेज टेस्ट नहीं कर सकते हैं। और परसेंटेज टेस्ट का करने का एक रेंज होता है। सेफ्टी लैंप में हम लोग मेनली 1.5 से लेकर 4% तक मीथेन का जाँच कर सकते हैं। जो भी कंपनी आपका सेफ्टी लैंप को मैन्युफैक्चर करती है वो हमें दावा करती है कि हम लोग सेफ्टी लैंप से 0.5% से लेकर 4% तक मीथेन का जांच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि हम लोग 2% से कम के परसेंटेज में मीथेन का जांच नहीं कर सकते हैं सेफ्टी लैंप में। अब आपके स्क्रीन पर मेनली डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज ऑफ मीथेन रहने पर फ्लेम का कौन सा शेप बनता है उसके बारे में आपको दिख रहा होगा इमेज में। दोस्तों ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि 3% मीथेन रहने पर जो गैस कैप का शेप होता है वो आपका ट्रायंगुलर शेप में होता है। नॉर्मली आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप में होता है, और गैस कैप का हाइट आपका मेनली 18 mm होता है। यह एक स्टैंडर्ड है। और 4% मीथेन रहने पर जो गैस कैप का हाइट है वो आपका 26 mm हो जाता है, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप ले लेता है, और उसका जो टॉप सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड होता है, आप जैसा कि स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों जैसा ही 4% ऑफ मीथेन से हम लोग डिक्रीज करते हैं, तो वैसे गैस कैप का साइज वो आपका 4 mm डिक्रीज हो जाता है, और यह अप टू 2.5% ऑफ मीथेन तक चला जाता है। इसको हम लोग फॉर एन एग्जांपल के तौर पर अच्छा तरीका से समझ सकते हैं। जैसा ही हम लोग 4% से नीचे आते हैं, मान लीजिए कि आप हम लोग को 3.5% मिला मीथेन, तो वहाँ पे जो गैस कैप का साइज होगा वो आपका 22 mm हो जाएगा। आपने देखा कि 4 mm जो आपका 4% मीथेन था वहाँ पे आपका 26 mm हाइट था, उससे यह 4 mm का जो हाइट है वो डिक्रीज हो गया, तो वहाँ पे आपका यही 22 mm हो जाता है 3.5% रहने पे। और ठीक यदि हम लोग 3.5 से नीचे आते हैं, ये मान लीजिए 3% में आए, तो वहाँ पे भी आपका जो हाइट है वो 18 mm होता है। तो आपने देखा कि इन तीनों में आपका जो 4 mm का गैप डिक्रीज हो रहा है। यदि हम लोग फिर से 3% से आते हैं 2.5% में, तो डिक्रीज हम लोग कर रहे हैं मेनली यहाँ पे, तो जो 2.5% रहने पे आपका गैस कैप का जो साइज है वो 14 mm हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों में आपका मेनली 4 mm का जो गैस कैप का साइज है वो डिक्रीज हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यही था। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि 2.5% से जैसे ही हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो वहाँ पे आपका गैस कैप का जो शेप है वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है, और वहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है। और जैसे ही हम लोग 2.5% से नीचे आते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो गैस कैप का जो शेप है वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं हो पाता है। दोस्तों जैसे ही हम लोग 2.5% से नीचे आते हैं 2% में, तो आप देख सकते हैं कि 2% में आपका गैस कैप का साइज वो 12 mm हो जाता है। यहाँ पे मेनली आपका 2 mm का डिक्रीज हुआ है, और वहाँ पे हम लोग ने देखा कि 4% से लेकर 2.5% तक रहने पर आपका 4 mm का जो गैस कैप का हाइट है वो डिक्रीज हो रहा था, और यहाँ पे आपका 2.5% से जैसे ही हम लोग आए 2% में, वहाँ पे आपका गैस कैप का जो साइज है वो आपका 12 mm हो जाता है। यहाँ मेनली यहाँ पे आपका 2 mm का डिफरेंस होता है। उसके बाद जैसे ही हम लोग 2% से जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं, वहाँ पे फिर आपका जो 4 mm का गैप वो शुरू हो जाता है। दोस्तों 1.5% रहने पे जो गैस कैप का हाइट है वो 8 mm होता है, 2% रहने पे आपका हाइट वो 12 mm होता है,
2.5% मीथेन रहने पे गैस कैप का हाइट वो 14 mm होता है, और वहीं आपका 3% रहने पे गैस कैप का हाइट 18 mm हो जाता है, और 3% में आपका ट्रायंगुलर शेप बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम लोग 3.5% में आते हैं तो गैस कैप का हाइट वो 22 mm हो जाता है, और यहाँ पे जो गैस कैप का शेप है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, और साथ ही साथ वो पॉइंटेड होना शुरू हो जाता है उसका टॉप पोर्शन। और वहीं जैसे ही हम लोग 4% में आते हैं तो गैस कैप का जो शेप है वो पूरा फुली ट्रायंगुलर शेप में ले लेता है, और उसका जो पॉइंटेड पोर्शन है, जो टॉप पोर्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है, और इसका जो हाइट है वो 26 mm हो जाता है। दोस्तों, टेस्टिंग फ्लेम की जो हाइट है उसको 3 mm स्टैंडर्ड माना गया है, और यह सभी जो आपने देखा कि कैसे कैसे टेस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में आपका डिफरेंट डिफरेंट शेप बनता है, तो ये सभी जो टेस्ट है वो सिम्फर के द्वारा किया गया है, और इसे अप्रूव करती है हमारा DGMS। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह जानकारी पसंद आई होगी। आपको बारीकी ढंग से एक्यूमुलेशन टेस्ट क्या होता है और परसेंटेज टेस्ट क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको बारीकी ढंग से नॉलेज प्राप्त हो गया होगा, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ। यदि आपको हमारा यह कंटेंट अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली इसे लाइक, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।